लाइक ऑन टाइम हमेशा आपके साथ। महक मसाले प्रेजेंट्स रसोई शो विद 94.3 माय एफएम इन एसोसिएशन विद हॉलिडे इन। मैं आपकी आरजे अक्षदा आपके साथ पहुंच गई हूँ जी, आपको बहुत टेस्टी टेस्टी खाना दिखाने और समझाने और सिखाने। मैं नहीं लेकिन हमारी कंटेस्टेंट्स हैं, शेफ ज्योति हैं, जो आपको बताने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कंटेस्टेंट से। हेलो, आई एम प्रेरणा, आई एम मैनेजर ऑफ ऑनक्लेव। ओके प्रेरणा, तो आप वर्किंग हैं और साथ साथ में आपको कुकिंग का शौक है। मैम, कुकिंग इज माय हॉबी। अच्छा, कुकिंग इज योर हॉबी। प्रेरणा क्या बनाने वाली हैं आज आप रसोई शो पर? आज मैं बनाने वाली हूं फ्रूट स्टिक्स। फ्रूट स्टिक्स, वाह, आजकल हमें बहुत सारी वेडिंग्स पर भी ये देखने को मिलती है फ्रूट स्टिक्स। तो चलिए उसके लिए पहले हम क्या करने वाले हैं प्रेरणा? पहले सबसे पहले हम फ्रूट्स लेंगे, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, चीज और मेलन। इसको हम डाइस में काट लेंगे, उसको स्टिक्स पे लगा लेंगे। बिल्कुल, चलिए आप देखिए कि कैसे प्रेरणा ने थोड़ा सा काम पहले किया है, फ्रूट्स को डाइस करके उन्हें इन लॉन्ग स्टिक्स जो आसानी से आजकल आपको अवेलेबल है मार्केट में, उनमें लगा लिया है। इसमें है मेलन, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पनीर और वापस एक वाटरमेलन का जो डाइस है लगाया गया है। ये सभी फ्रूट्स आजकल इजीली अवेलेबल है, समर के फ्रूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रेरणा? सबसे पहले हम ऊपर सॉल्ट और रेड पेपर ओके स्प्रिंकल करेंगे। सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है, सभी स्टिक्स के ऊपर। ओके, थोड़ा सा टर्न करके ताकि सभी साइड्स पर जो सॉल्ट है बिल्कुल। सॉल्ट को हमेशा स्प्रिंकल करके डालिए ताकि कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम ना हो जाए और टेस्ट खराब ना हो जाए। थोड़ी सी हम रेड चिली भी स्प्रिंकल करते हैं। ओके, रेड चिली पाउडर जो है वो हम इस पे डालेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर ज्यादा मिर्ची हो जाएगी तो फ्रूट्स और इतनी मिर्ची दे डोंट गो टुगेदर। ओके, चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ प्रेरणा। वैसे ये जो फ्रूट्स हैं इन सभी में वाटर कंटेंट काफी ज्यादा रहता है और समर के हिसाब से ये फ्रूट्स काफी फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारा जो ओके 5 मिनट के लिए आप अपनी स्टिक्स पर सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर स्प्रेड करके उन्हें थोड़ी देर के लिए रख दें। और उसके बाद जो है फिर हम क्या करने वाले हैं? फिर हम पैन लेंगे। तो अब हम पैन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं प्रेरणा? हम पैन को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ओके, ये ऑयल जो है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। प्रेरणा, हम किसी भी तरह का ऑयल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल की और सैलेड्स और स्टिक्स वगैरह के साथ काफी अच्छा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल हम डालने वाले। वैसे आपको बता दूं इसमें मेलन और वाटरमेलन के साथ पाइनएप्पल भी है जो विटामिन सी में बहुत ही रिच है और इम्यूनिटी और जैसे आजकल के मौसम में खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है उस हिसाब से पाइनएप्पल काफी अच्छा फ्रूट माना जाता है। 5 मिनट के लिए रख दिया। अब इसको स्टिक्स हम पैन में खाएं। ओके, थोड़ा सा पैन को ग्रीस करने के बाद ये सब स्टिक्स जो है वो पैन में लगा रहे हैं। ओके, वाओ, बहुत ही अच्छी एक सिजलिंग साउंड जो है वो। ओके, अच्छा हनी भी हमें इसके लिए चाहिए, स्पून ये लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा हनी सबके ऊपर निकाल कर स्प्रेड करें, बिल्कुल बहुत थोड़ा। हनी तो रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप सुबह भी पानी के साथ शहद पीते हैं तो पतले तो रहते ही हैं और सारा दिन एनर्जी भी खूब रहती है। वेल, ये स्टिक्स के ऊपर जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रेरणा हनी जो है बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा स्लाइटली लगा रहे हैं। ओके, ओके, फोर साइड्स हैं और हम चाहते हैं कि सभी अच्छे से रोफ हो जाए, साटे हो जाए इसमें पैन में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और कलरफुल स्टिक्स हैं और आई थिंक ये जितनी हेल्दी है उतनी ही प्रेजेंटेबल भी है और आप अपने गेस्ट को अच्छे से खिला सकते हैं और वो भी खुश होंगे कि ना कैलोरीज मिली और इतना अच्छा टेस्टी कुछ जो मुझे लग रहा है और मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है इनको देखते हुए। वेल, प्रेरणा ने चारों तरफ हनी लगाते हुए ओके फाइन, अभी एक साइड रहती है हमारी। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने चारों साइड पर प्रेरणा अपने हनी जो है वो लगा दिया और फ्लेम पर थोड़ा सा बढ़ा दिया। फ्लेम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे प्रेरणा? हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे कि ताकि कैरामलाइज हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज,
थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, मेनली पनीर का आपको पता लग जाएगा कि वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अरे वाह, अच्छा लग रहा है मुझे भी इसके साथ कुछ कुछ करके। और बहुत ही एक अच्छी डिफरेंट कलरफुल इजी रेसिपी है फ्रूट स्टिक जो आज प्रेरणा हमें बतानी है। ओके प्रेरणा, ऐसे ही बस थोड़ी देर आप बाद में फ्लेम थोड़ा सा सिम कर सकते हैं ताकि आपके फ्रूट्स का टेस्ट ना चेंज हो जाए या कुछ ज्यादा ही पानी ना वो छोड़ना शुरू कर दे। ओके प्रेरणा, तो क्या ये बन चुकी हैं अब हमारी फ्रूट स्टिक्स? और 2 मिनट और फिर रेडी हो जाएंगी। 80% हमारी ये जो स्टिक्स हैं तैयार हो चुकी है और इसके कलर से आप देख सकते हैं कैसे जो वाटरमेलन है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का लग रहा है। वाओ, तो क्या अब तैयार है प्रेरणा हमारी फ्रूट स्टिक्स? वैसे वाटरमेलन के बारे में बताऊं कि कभी इसे खाने के बाद पानी मत पीजिएगा, नहीं तो फिर परेशान होंगे क्योंकि पेट काफी ब्लोट हो जाता है और खराब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें खुद ब खुद इतना ज्यादा वाटर कंटेंट होता है मेलन में, वाटरमेलन में, पाइनएप्पल में भी। ओके, तो फ्रूट स्टिक्स सो क्विक सो इजी समर्स के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही प्रेजेंटेबल भी। बिल्कुल, पनीर ने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है, लाइट ब्राउन शेड जो है वो पनीर का आ गया है। तो रेडी है हमारी फ्रूट स्टिक्स या फ्रूट साटे भी आप इसे बुला सकते हैं। तो अब बारी है प्लेटिंग की, राइट? अब हम प्लेटिंग के लिए तैयार है, हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रूट स्टिक्स। प्रेरणा, तो चलिए प्लेटिंग की बारी आ चुकी है। फ्रूट स्टिक्स बहुत ही कलरफुल आप देख रहे हैं। आज प्लेटिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट मेरा भी करने का मन कर रहा है। प्रेरणा, कर सकती हूँ मैं? जरूर, थोड़ा सा आई अपीलिंग बना देते हैं यार अपनी इस फ्रूट स्टिक्स को। रेड, वन ऑफ माय फेवरेट कलर। इस रेड चिली पाउडर के साथ आप इसके साथ कुछ भी सुंदर सा अपना आर्टिस्टिक माइंड जो है वो दिखा सकते हैं और फ्रूट स्टिक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए तैयार है आज की हमारी ये रेसिपी फ्रूट स्टिक्स। और अगर आप भी दोबारा से देखना चाहते हैं, यानी कुछ थोड़ा बहुत मिस हो गया हो या कुछ नोट डाउन करना रह गया हो, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्विक रिकैप की ओर। फ्रूट स्टिक्स बनाने वास्ते सानू चाहिए तरबूज, पाइनएप्पल, पनीर, खरबूजा। इन्हां नू क्यूब्स विच कट के साटे स्टिक्स या टूथपिक्स ते लगावांगे, उत्ते पावांगे नमक, लाल मिर्च, पैन दे विच थोड़ा जा तेल पाके उन्हां नू सौटे करांगे हर तरफ तो, हनी नाल ग्लेजिंग दे के थोड़ा जा होर सौटे करांगे और गर्मा गर्म सर्व करांगे। तो चलिए रीकैप तो आपने देख लिया और नोट डाउन भी कर लिया, अब बारी है टेस्टिंग की। ये है हमारी फ्रूट स्टिक, चलिए अब टेस्ट करते हैं। वाओ, वाटरमेलन को आपने बहुत ठंडा ठंडा खाया लेकिन आज इस फॉर्म में खाके रियली अमेजिंग। वैसे भी यार खाना, फूड इज ऑल अबाउट इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट प्रेरणा? बहुत ही अच्छा ये जो फ्रूट स्टिक्स हैं आपने तैयार की, और ये खास आपके लिए आर्किसंस यूनिफॉर्म्स की ओर से, जो स्पेशलाइजेशन है जिनकी कॉर्पोरेट और होटल यूनिफॉर्म्स में। थैंक यू सो मच प्रेरणा। तो प्रेरणा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका महक मसाले रसोई शो पर? आप आए, अपनी रेसिपी आपने हमारे सभी ऑडियंस को जो है सिखाई, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी कोई भी रेसिपी आके यहाँ बता रही हूँ, लोग मुझे देखने के लिए। अरे वाकई हैप्पीनेस आपके चेहरे से नजर आ रही है, इतनी प्यारी स्वीट स्माइल है आपकी। थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर कमिंग ऑन द शो। वेल, चलिए अब बारी है एक छोटे से एड ब्रेक की और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। अगर आपके पास भी है कोई यूनिक रेसिपी तो उसे पोस्ट कीजिए हमारे फेसबुक पेज रसोई शो अमृतसर पर। और अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी रेसिपी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट वे अमृतसर / रसोई शो पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे एड्रेस पर भेजिए अपनी यूनिक रेसिपी और पाइए मौका रसोई शो का हिस्सा बनने का। जितनी अच्छी खाने की महक उतना ही अच्छा उसका स्वाद है। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है।
खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, सुगंध और स्वाद वाले महक मसाले। वेलकम बैक दर्शकों, तुसी देख रहे हो महक मसाले प्रेजेंट्स रसोई शो विद 94.3 माय एफएम इन एसोसिएशन विद हॉलिडे इन। आज असी की मनान जा रहे हैं एक डिफरेंट चीज जिड़ी की बड़े पुराने जमाने आज मोड ऑफ प्रेजर्वेटिव मनी जाती थी क्योंकि लोग ट्रैवल करते सी या स्कार्सिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਸੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਚਾਰ ਅਚਾਰ ਗੋਭੀ ਗਾਜਰ ਮੂੰਗਰੇ ਦਾ ਮੂਲੀ ਦਾ ਘੀਏ ਦਾ ਅੰਡੇ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੀ ਨਾਲ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਸਿਪੀ ਬਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰੈਸਿਪੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੀਏ ਟਿੰਡੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਘੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਟਿੰਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਸ ਚਿਕਨ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਘੀਆ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੌਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 kg ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸ ਜਾਏ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਚਿਕਨ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਟ ਈਵਨ 150 ml ਪਾਇਆ ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 kg ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 500 ml ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਚਾਰ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲਓ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟਿਡ ਚਿਕਨ ਪਾ ਕੇ
इनो हल्का फ्राई करांगे। उस तो बाद जो असं पकावे बहुत ज्यादा गलना नहीं चाहिए, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। चिकन दिया रेसिपीज तो वैसे ही बड़िया चटपट रेसिपीज होंगे ने, बहुत जल्दी बन जाने ने। मैनू नहीं पता कि क्यों लोग चिकन नू कुकर इच पा के बनाते हैं। सानू जो ट्रेनिंग दिती जाती है सानू तो यही कहा जाता है कि किचन दे विच कुकर होना ही नहीं चाहिए, ना कुकर ना माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कुकिंग जी है सानू लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं दिती जाती, ना ही कुकर दे विच चीज़ा पकाने की ट्रेनिंग दिती जाती है। सानू लोगों को सिखाया जाता है कि चीज़ा नू बॉयल करो, ईवन आलू भी असी पतीले दे विच ही बॉयल करने। चिकन नू तुसी देखो अगर टेक्सचर देखो तो ये चिकन हाफ डन हो चुका है। हुण असी इनू निकाल लांगे, लेग पीसिस नू सब तो लास्ट विच कढ़ांगे क्योंकि लेग पीसिस सब तो लास्ट विच कुक होंदे ने, सब तो लेट कुक होंदे ने। लेग पीसिस भी असी कढ़ लांगे, वो भी साडे कुक हो गए ने। ते हुण असी जिन्ना ऑयल बचा गैस नू थोड़ा जा स्लो करके असी एदे विच साबुत मसाले पावांगे। मोटी इलायची, हरी इलायची, सौंफ ते मेथरे साबुत। बहुत ज्यादा लाल नहीं होने देना इन्हां नू। नाल ही असी फ्राई किया होया चिकन वापिस पा देंगे। अच्छी तरह मिक्स करांगे और एदे च पावांगे थोड़ा जा सिरका। अप्रोक्सीमेटली अद्धा किलो चिकन दे विच 1/4 कप, मतलब 1 किलो चिकन दे विच अद्धा कप सिरका और उनू पाके अच्छी तरह असी पका लांगे। चिकन नू जिन्नी देर तक सड़ा सिरका जेड़ा है वह सुक नहीं जाता। सब तो बड़ी एडवांटेज इस चिकन की है कि असी इनू तेज सेक से पकाना है। तेज सेक दे विच असी जिन्ना सिरका पाया वह सुकता भी जाएगा और यह अपनी ग्रेवी भी फॉर्म करता जाएगा और उतने दे विच चिकन सड़ा पक भी जाएगा और ना ही सानू कोई इस चिकन नू टक्कन दी जरूरत है। फटाफट इस तरह ही बनता जाएगा। थोड़ा जा नमक असी होर पावांगे क्योंकि असी जिन्ना नमक पाया सी सिरका काफी हद तक नमक चुक लैंदा है। मिर्च तुसी हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब नाल पानी है क्योंकि अचार वैसे तो स्पाइसी होंदे ने क्योंकि असी उन्हूं एज एन कंप्लीमेंट खाने हाँ, सब्जी नहीं, थोड़े जे स्पाइसी होंदे ने। लेकिन तुसी अपने घर दे टेस्ट के हिसाब नाल मैं पाई है महक दी कश्मीरी मिर्च जेड़ी की स्पाइस भी देगी और कलर भी। मेरा बेटा बाना बहुत बढ़िया लगांदा है चिकन दा अचार खान वास्ते। मम्मा मैं जिम जाना, जिम दे वास्ते मैनू हाई प्रोटीन डाइट चाहिए है। हाई प्रोटीन डाइट, चिकन इज अ हाई प्रोटीन डाइट। सो मम्मा मैं सब्जी नहीं कोई खावांगा, मैं चिकन ही खा लांगा, मैं अचार ही खा लांगा। उदा ते बाना बहुत बढ़िया। और हुण तुसी मैनू जरूर दसना कि तुहाडे बच्चियां ने केड़ा बाना लगाया चिकन दा अचार खान वास्ते। 75% डन है जी साडा चिकन दा अचार।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਆਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਚਮਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਲੈਗਸ ਦੇ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਬੋਨਲੈਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 50% ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਚਾਰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੀਸ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਏ ਜਾਂ ਲੈਗ ਬੋਨਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਪੀਸਿਸ ਨੇ। ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਲਦੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਸੀ, ਵਿਨੇਗਰ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਸੋਟਿਡ, ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਐਜ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਕਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰ ਡਨ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਡਨ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅੰਡਰ ਡਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਚੂਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁਇੰਗਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਟਲ ਅੰਡਰ ਡਨ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਊਥ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। And now comes the most beautiful part of this dish is this oil. This oil de vich enne sare flavors ne, saumph, methre, moti ilaichi, choti ilaichi, mirch, aur on top of it haldi and sirka. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਕਨ, ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੇਸਟ, ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿਕਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ,
चिकन पाके उन्हों पकावांगे। गोल्डन ब्राउन होन तो बाद सिरका पाके फिर पकावांगे जिनी देर तक सिरका थोड़ा सुख ना जाए। और अचार नू प्रिजर्व कर लांगे लंबे टाइम दे उत्ते और परांठी या चावल दे नाल सर्व करांगे। वेलकम बैक आफ्टर द रीकैप। और कोई इंग्रेडिएंट तो तुसी मिस नहीं कीता होएगा, जे मिस भी कीता तो यूट्यूब ते साडे कोल है ही है। लेकिन आज सब तो इंपॉर्टेंट गल असी ए करनी है, जे तुसी भी कोई रेसिपी स्पेशल चाहते हो कि असी तुहानू सिखाइए जिहड़ी तुहानू नहीं आंदी और तुहानू बड़ी अच्छी लगती है, तुसी सानू उहदी भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो साडे फेसबुक पेज रसोई शो अमृतसर दे उत्ते। सानू रिक्वेस्ट भेजो कि असी ए रेसिपी सीखना चाहते हैं, असी ओ रेसिपी जरूर बना के तुहानू दिखावांगे, शोकेस करांगे जिहड़ी तुसी सीख सको और अपने घर बना सको। Now comes my favorite time, this is tasting time. This chicken is so tender, so soft और बहुत स्वाद है, सौंफ और मेथरे का स्वाद इतना अच्छा आ रहा है, हले तो मैं बिना ऑयल तो खाता है। मेरा फेवरेट जिहड़ा इहदा खाण दा तरीका है, थोड़े जिहा बॉयल चावल लो, एक चिकन का पीस लो, नाल उहदे उत्ते थोड़ा जिहा फ्लेवर वाला ऑयल पाओ और खा के देखो, बहुत स्वाद आएगा। तुसी भी खा के देखो और सानू अपने कमेंट साडे फेसबुक पेज ते जरूर लिखना, क्योंकि असी भी थोड़े फीडबैक नू बहुत इंपॉर्टेंट समझने हां, बहुत इंपॉर्टेंट हो तुसी साडे वास्ते। मिलांगे नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच। जे तुहाडे कोल भी कोई यूनिक रेसिपी है, तुसी साडे फेसबुक पेज रसोई शो अमृतसर दे उत्ते थोड़ी जी ब्रीफ रेसिपी दी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छड्डो, असी तुहानू कॉन्टैक्ट करके तुहानू स्क्रीन दे उत्ते आउण दा मौका देवांगे। और जे तुसी साडा कोई भी एपीसोड मिस कीता है, तुसी youtube.com ते साडे सारे एपीसोड्स देख सकते हो। तुसी साडे स्क्रीन दे उत्ते आए हुए एड्रेस दे उत्ते भी अपनी रेसिपीज ड्रॉप कर सकते हो। हुण मिलदे हां दर्शकों अपने अगले एपीसोड दे विच, उन्हीं देर तक सत श्री अकाल।